अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़ाइज़ा वसीम और आज की इस वीडियो का टॉपिक है हमारा व्हाट्सएप से रिलेटेड। अगर आप एक व्हाट्सएप यूज़र हो तो डेली बेसिस के ऊपर आप व्हाट्सएप अकाउंट को अपने पास यूज़ भी करते होंगे। तो देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग व्हाट्सएप से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग टिप के बारे में बात करेंगे। आप लोग डेली बेसिस के ऊपर अपने डिफरेंट फ्रेंड्स के साथ चैट करते होंगे। देखो, उनमें से कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनका आप चाहते हो कि नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर टॉप के ऊपर शो ना हो। जब भी कोई हमारे फ्रेंड हमें व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन यहाँ पर इस टाइप से शो हो जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उनका नोटिफिकेशन ऊपर शो ना हो, तो अब आप ये भी नहीं चाहते कि आप अपने सारी नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, तो पर्टिकुलर चैट के नोटिफिकेशन को कैसे ऑफ करना है, मतलब कि जिस फ्रेंड का आप चाहते हो उसका नोटिफिकेशन आपको ना मिले, बाकी सब फ्रेंड्स के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएँ, तो उसका सिंपल सा क्या प्रोसेस है आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर सिंपल सबसे पहले मैं ओपन कर लेती हूँ अपना व्हाट्सएप का अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट चैट्स अवेलेबल हैं। अब मैं चाहती हूँ कि किसी भी चैट से मुझे मैसेज आए तो उसका नोटिफिकेशन तो मुझे मिले, लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि ये वाली जो चैट है ये अगर मुझे मैसेज करे तो इसका नोटिफिकेशन मुझे ना मिले, तो उसके लिए सिंपल क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोग देखो हमें एक इसकी प्रोफाइल आइकन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पे आप चले जाओगे आई बटन के ऊपर। जैसे ही आप आई बटन के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है म्यूट नोटिफिकेशंस का। जैसे ही आप इसको ऑन कर दोगे, इट मींस कि अब ये अच्छा, ये आपसे उसके बाद टाइम पीरियड भी पूछते हैं कि आप कितने टाइम के लिए इस नोटिफिकेशन को म्यूट करना चाहते हो। अगर आप एक 8 आवर्स 1 वीक का टाइम सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ और सिर्फ इतने टाइम के लिए ये इसकी नोटिफिकेशंस म्यूट होंगी, उसके बाद दोबारा से जो है वो नोटिफिकेशंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको 1 ईयर कर देते हो और ओके प्रेस कर देते हो तो अब 1 साल तक आपको इस नंबर से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये बंदा मैसेज करेगा भी तो भी आपको उसका जो है वो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। जस्ट आप जाकर अपनी चैट्स में देख सकते हो कि किसने क्या मैसेज किया है। तो ये था सिंपल सा प्रोसेस जिसको यूज़ करते हुए आप जो है वो किसी भी चैट, किसी भी अपने फ्रेंड का जो है वो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर सकते हो पर्टिकुलर चैट के। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।